हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। आई एम रितिका एंड बैक विद न्यू वीडियोस। तो होने वाली है इम्पॉर्टेंट, वो कैसे कैसे है चलिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके माइंड में और आपको मेकअप करना है। ऑब्वियसली यार, कभी भी कोई भी पार्टी वगैरह में जाता है तो थोड़ा बहुत तो मेकअप सभी लोग करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो या आप अपने लिए फाउंडेशन ले रहे हो, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा फाउंडेशन ले। अगर आप ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं तो भी आप ये सोचेंगे कि हम कौन सा फाउंडेशन ले। ऐसे बॉटल देख के तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा शेड आपकी स्किन पे जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑफलाइन स्टोर पे लेते हो। ऑनलाइन तो फिर भी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी होती है, बट जब आप ऑफलाइन पे लेते हो वहाँ पे इतनी सारी लाइटें जल रही होती हैं, तो आपको मोस्टली क्या होता है, शॉप वाला भी आपको बस जो फेयर कलर है वही, ये मैम जाएगा आप ये ले लो। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने अंडरटोन के हिसाब से फाउंडेशन लेना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अंडरटोन क्या होता है। सो अंडरटोन तीन टाइप्स के होते हैं, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। आप सोचेंगे कि इसको आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अंडरटोन आपका है ना, तो आप अपनी वेंस को चेक करें। वेंस अगर आपकी ग्रीन है तो आप वार्म अंडरटोन में हो, अगर ये पर्पल आ रही है तो आप पिंक अंडरटोन के हो, अदरवाइज आपकी ये दोनों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन, न्यूट्रल एंड कूल तीन टाइप के अंडरटोन देखने को मिलेंगे। पिंक आ रहा है तो आप कूल अंडरटोन के हो, एंड अगर आपका अंडरटोन बेसिकली ये पर्पल होती है अगर, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। न्यूट्रल अंडरटोन वो होता है जिसपे कूल एंड वार्म दोनों कलर के फाउंडेशन उस पर सूट हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम वार्म एंड कूल में समझ नहीं पाते हैं, हम उस हिसाब से ले लेते हैं। कूल में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फेयरेस्ट कलर होता है हम वो उठा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने अंडरटोन के हिसाब से जब भी आप बॉटल लोगे उस पर लिखा हुआ होता है। अगर आपको इस पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सनलाइट में बाहर निकलते हो तो अगर आपकी स्किन रेड हो जाती है तो आप पिंक अंडरटोन के हो, अदरवाइज अगर आपकी स्किन काली पड़ जाती है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। इंडिया में मोस्टली वार्म अंडरटोन के स्किन होती है, जो कूल अंडरटोन होते हैं वो मोस्टली जहाँ पे ठंडी जगह होती है, पहाड़ों पे या US वगैरह में, वहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम वहाँ के लोग कूल अंडरटोन के होते हैं। अदरवाइज इंडिया में आप ध्यान दोगे तो ऑलमोस्ट टाइम के यहाँ पे इंडिया में वार्म अंडरटोन के स्किन होती है। तो वार्म अंडरटोन के हिसाब से आपने कभी देखा होगा कि आपने जब ज्वेलरी पहनते हो सिल्वर कलर की आप पे कम सूट करती है। अगर आप पे सिल्वर कलर की अगर सूट कर रही है तो आप कूल पे ही जाओगे, आप कूल अंडरटोन है। अदरवाइज अगर आप पे गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा सूट कर रही है तो आप वार्म अंडरटोन के हो, और आप पे दोनों सूट कर रही है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। हमें ध्यान रखना है और इस टोन के हिसाब से ही अपनी स्किन के हिसाब से हमें फाउंडेशन लेना है। अपनी कभी भी फाउंडेशन को लेते टाइम पे आपको ये नहीं देखना है कि बहुत वाइटेस्ट की तरफ जाना है। आपको यहाँ के शेड्स यहाँ पे आप लगा के एक बार यहाँ पे आप चेक करोगे, अप्लाई करके आप बोतल पे पढ़ोगे उसमें वार्म अंडरटोन वार्म करके कलर्स लिखे होते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और वो जब आप मर्ज करोगे आपकी स्किन टोन पे जा रहा है, तो मतलब कि आपको सही शेड मिला है। कभी भी आप वाइट की तरफ मत जाइए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी स्किन टोन से दो टोन लाइट कलर का अगर आप फाउंडेशन ले रहे हैं तो उसका मोस्ट ऑफ चांस है कि वो आपकी फेस पे थोड़ी देर के बाद ग्रे कर जाएगा। ये थी आज फाउंडेशन के बारे में डिस्कशन कि हम कौन से अंडरटोन के हैं। अगर आप ये सब चीज़ें माइंड में रख के अगर आप फाउंडेशन लोगे तो कभी भी आपका फाउंडेशन काला नहीं पड़ेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।